दोस्तों, आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल मिल्क ब्रेड विद बीटरूट एंड ओट्स फ्लेवर। जैसे कि आप जानते हो, बीटरूट में पर्याप्त मात्रा में आयंस, विटामिन्स एंड मिनरल्स है। ये एक अच्छा अल्टरनेट ऑप्शन रहेगा बच्चों को बीटरूट खिलाने का। वेलकम टू राखीज रसोई। यू कैन फॉलो ऑल माई रेसिपीज इन फेसबुक, यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिया है 350 ग्राम्स मैदा, 50 ग्राम्स ओट्स, 150 ml मिल्क, 150 ग्राम्स बीटरूट प्यूरी, 1 टेबलस्पून शुगर, 1 टीस्पून ईस्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून सॉल्ट। पहले हम एक बाउल में 150 ml मिल्क लेंगे। यहाँ पर मिल्क मैंने ल्यूक वार्म लिया है, आपको मिल्क ज़्यादा गर्म नहीं लेना है। अब हम 1 टेबलस्पून शुगर डालेंगे, 1 टीस्पून ईस्ट डालेंगे। यहाँ पर मैंने ड्राई ईस्ट लिया है। इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे 10 मिनट तक फर्मेंट होने रख देंगे। 10 मिनट बाद आप देख सकते हो कि ईस्ट अच्छे से फर्मेंट हुआ है। अगर आपका ईस्ट नहीं हुआ हो, आप ये मिक्सचर ना यूज़ करें और ईस्ट, शुगर एंड मिल्क सॉल्यूशन फिर से बनाएं। अब हम एक बाउल में 350 ग्राम्स ऑल पर्पस फ्लोर यानी मैदा लेंगे। यहाँ पर मैंने कंप्लीट मैदा लिया है, आप 125 ग्राम्स मैदा, 125 ग्राम्स गेहूं का आटा भी ले सकते हो और 50 ग्राम्स ओट्स फ्लोर लिया है। ओट्स को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है। 1 टीस्पून सॉल्ट लिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम ई सॉल्यूशन जो हमने पहले से बना के रखा था इसमें ऐड करेंगे। और आटे को अच्छे से गूंदने लगेंगे। मैंने एक बीटरूट को पील किया है और उसे हाफ कप पानी डाल के मिक्सर में पीस लिया है। 150 ml बीटरूट प्यूरी बना दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा आटे में डालेंगे और आटा गूंदने लगेंगे। यहाँ पर हमारा आटा थोड़ा सा स्टिकी रहेगा। यहाँ पर मैंने बीटरूट प्यूरी लिया है, आप इसके बदले कोई भी फेवरेट वेजिटेबल प्यूरी ले सकते हो। अब हम 1 टेबलस्पून तेल लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप कोई भी तेल ले सकते हो और आटा इसी तरह गूंदने लगेंगे। आप देख सकते हो कि आटा अब धीरे धीरे चिटकने नहीं लगा है। हम बाकी बचा 1 टेबलस्पून तेल फिर से लेंगे और आटा 4 से 5 मिनट गूंदने लगेंगे। आप देख सकते हो कि आटा अच्छे से गूंद गया है। यहाँ पर मैंने 150 ml जूस लिया है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जूस लगे तो आप यूज़ कर सकते हो। आटा हमारा नरम होना चाहिए। अब हम बाउल को तेल से ग्रीस करेंगे और आटे का गोला उसमें रख देंगे। हम इसे लगभग 40 से 50 मिनट प्रूफ होने रख देंगे। आप इसे क्लिंग रैप या तो कोई भी किचन टॉवल से ढक के डबल हुए जब तक रख दें। मेरे यहाँ करंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से मुझे 40 मिनट लगा है, इसीलिए आप टाइम पर ना जाएं। ये जब तक डबल ना हो आप इसे फर्स्ट प्रूफ होने रहने दें। आप देख सकते हो कि आटा डबल हो चुका है। अब हम इसे पंच करेंगे और सारे एयर बबल्स बाहर निकालेंगे। पंच करने का प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये बराबर नहीं करोगे तो आप ब्रेड खाते समय ईस्ट का स्मेल आएगा। अब हम प्लेटफॉर्म पर आटे से डस्ट करेंगे
और आटे का डो रखेंगे। पहले हम टिन को अच्छे से बटर से ग्रीस करेंगे। यहाँ पर मैंने 9x4x4 साइज का टिन लिया है। अब हम बेलन से इस डो को पतला बेलेंगे। हमें 1/2 इंच का थिकनेस चाहिए होगा। इसे हम ब्रेड के विड्थनेस के हिसाब से चौड़ाई बेलेंगे। एक बार ये अच्छे से बेल गई है, अब हम इसे धीरे धीरे फोल्ड करेंगे और हर फोल्ड के बाद हमें सील करना होगा। इसी तरह हम इसे फोल्ड करते रहेंगे और सील करते रहेंगे। अगर आप सील नहीं करोगे तो ब्रेड में एयर पॉकेट्स बनेगा। इसी तरह हम इसे पलटा कर कॉर्नर भी अच्छे से सील करेंगे। अब हम इसे पलटाएंगे और टिन में धीरे से रखेंगे। ध्यान रखना है आपने जिस तरफ से इसे सील किया है वो नीचे का हिस्सा होना चाहिए। अब हम टिन लिड को भी बटर से ग्रीस करेंगे। आप चाहो तो क्लिंग रैप भी लगा सकते हो, लेकिन क्लिंग रैप को भी आपको ग्रीस करना पड़ेगा। अब हम इसे सेकंड प्रूफिंग के लिए लगभग 40 मिनट तक रहने देंगे। 40 मिनट बाद आप देख सकते हो कि डो अच्छे से प्रूफ हो चुका है। अब हम 2 टेबलस्पून दूध में 1 चम्मच शक्कर मिलाके और हल्के हाथ से ब्रश यूज करते हुए टॉप लेयर ग्रीस करेंगे। अब हम इसे ढक्कन लगा देंगे और प्री हीटेड ओवन में 200 डिग्रीज पर 35 मिनट्स बेक करेंगे। आप चाहो तो गैस पर भी कर सकते हो। इसे आप गैस पर बड़ी कढ़ाई में स्लो फ्लेम पर 40 मिनट्स के लिए होने दें। 35 मिनट्स बाद आप टिन को कूलिंग रैक पर रखें और धीरे से ढक्कन निकाल दें। आप देख सकते हो कि ब्रेड अच्छे से बेक हुआ है। ब्रेड के चारों तरफ कॉर्नर्स छूट चुके हैं। अगर आप टैप करोगे तो आपको हॉलो साउंड आएगा, यानी आपका ब्रेड परफेक्टली बेक्ड है। अब हम अपर लेयर में बटर से ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने से अपर लेयर यूजुअली जो हार्ड हो जाता है वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसे पलटाएंगे और कूलिंग रैक पर ट्रांसफर करेंगे। आप देख सकते हो कि ब्रेड परफेक्टली बेक्ड है। इसे आप किचन टॉवल या कोई भी कपड़ा लेके 2 घंटे के लिए ढक के रख दें। अब ब्रेड तैयार है। यहाँ पर मैंने ब्रेड नाइफ यानी सेरेटेड नाइफ लिया है और हम ब्रेड को कट करेंगे। आप देख सकते हो कि ब्रेड कितना परफेक्टली बेक्ड है। सॉफ्ट बीटरूट मिल्क ओट्स ब्रेड रेडी है। इसे आप जैम, पीनट बटर या सादा बटर लगा के खा सकते हो। इससे आप सैंडविचेस भी बना सकते हो। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।